आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि किचन में खड़े खड़े आटा गूंथने से पहले अगर ये स्टेप आप फॉलो कर लो तो जिंदगी भर आपका फैट नहीं बढ़ेगा, जिंदगी भर आपको मोटापे से दिक्कत नहीं होगी, बीमारियां भी आपकी ठीक होने लगेगी, रिफ्रेश फील करोगे, माइंड आपका तरोताजा रहेगा और हमेशा एक्टिव रहेंगे। आप कभी ये नहीं कहेंगे कि भाई इतना सारा काम है मुझे अकेले ही करना पड़ेगा, ये फीलिंग आपको कभी नहीं आएगी। तो कौन से ये स्टेप है जो कि आपको किचन में फॉलो करने चाहिए या फॉलो कर सकते हैं अगर आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता अपने लिए पर्सनल कि मैं एक्सरसाइज कर सकूं या अपनी बॉडी पे ध्यान दे सकूं, लेकिन फिर भी आपको एक्टिव तो रहना ही है ना। आपका जो बढ़ता हुआ फैट है उसको कैसे कम कर सकते हैं, ये आपकी मेन प्रॉब्लम है। अगर उससे छुटकारा पाना चाहते हो अपने काम के साथ ही अपने किचन के अंदर ही, तो वो क्या चीजें हैं जो कि आप फॉलो कर सकते हैं, तो वो डिटेल में बताने वाली हूँ। सारी जो लेडी है उनकी प्रॉब्लम आज खत्म होने वाली है इस वीडियो को देखने के बाद। तो चलिए इस वीडियो को अच्छे से देखिए, शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर, मेरे चैनल हेल्सिटी में आपका स्वागत है। अगर आप वर्कआउट करना चाहते हो, जिम में नहीं जाना चाहते, आप एक ऐसा इंसान हो कि घर में रह के ये सोचते हो कि भाई अच्छी एक्सरसाइज मैं फॉलो कर लूं और तो मुझे तसल्ली हो जाएगी और मैं फैट भी कम कर सकती हूं, तो आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। जिम में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सोचना भी नहीं पड़ेगा और इजीली फैट बर्न हो जाएगा। तो चलिए आज हम देखते हैं कि किचन में कौन से स्टेप करें जिससे तेजी से फैट बर्न हो। अब आप ये कहेंगे, बहुत सारी लेडीज की यही प्रॉब्लम होती है कि दिन भर काम में लगे रहते हैं, फिर थक जाते हैं, एक्सरसाइज कर ही नहीं पाते हैं, कैसे भी टाइम निकालने की कोशिश करो, अगर बाय चांस हमने टाइम निकाल भी लिया तो इतनी ज्यादा थकान होती है सुबह वर्कआउट करने के बाद कि फिर काम नहीं हो पाता। तो हमारी प्रॉब्लम ये है कि इतना सारे काम के साथ ये वर्कआउट कैसे करें, टाइम कैसे निकालें, और अगर टाइम नहीं निकलता, हम वर्कआउट छोड़ भी दे कि चलो घर का काम ही करते हैं, तो उससे क्या हो रहा है, आजकल लेडीज का मेटाबॉलिज्म स्लो हो रहा है क्योंकि वो भूखे रहते हैं। जैसे वो सोचते हैं कि फैट बढ़ता जा रहा है मैं तो रोटी छोड़ दूंगी, वो रोटी छोड़ते हैं, लिथार्जिक महसूस करते हैं, काम करने के बाद बेड पे चले जाते हैं और ज्यादा लिथार्जिक महसूस करते हैं, और धीरे धीरे करके क्या होता है उनकी भूख कम होनी शुरू हो जाती है, फिर उन्हें भूख ही नहीं लगती। अब ऐसी सिचुएशन में जब पेट में बिना कुछ डाले काम करते रहते हैं तो फिर वीकनेस बढ़ती है, फिर फीवर आने लगता है, आप बीमारियों के शिकार होने लगते हैं, बीपी हाई लो होने लगता है, तब उनका घर का काम करने का भी मन नहीं करता, घर का काम थोड़ा ही करते फिर थक जाते हैं। और ऐसी सिचुएशन में आप सोचो कि क्या आप कोई एक्सरसाइज कर सकते हो, क्या आप फैट कम करने के लिए कुछ अलग से सोच सकते हो, आप कहेंगे कि नहीं, फिर उन्हें लगता है कि हमारी बॉडी खत्म हो चुकी है। लेकिन मैं ये कहती हूँ मेरे साथ आओ, मेरी बातें सुनो, जो मैं आपको बताती हूँ करती जाओ, कभी वीक नहीं पड़ोगे और फैट इजीली बर्न कर पाओगे। अब देखो जब मैं किचन में होती हूँ, देखो मेरे साथ भी यही होता है क्योंकि मैं एक लेडी हूँ, मैं भी कुछ ना कुछ घर का काम करती ही हूँ, बिजी भी रहती हूँ, बहुत ज्यादा बिजी, और मेरे पास भी सातों के सात दिन हफ्ते की ये नहीं होता वर्कआउट के लिए अलग से टाइम निकाल सकूं। तो तब मैं क्या करती हूँ ऐसी सिचुएशन में, जैसे मैं किचन में हूँ तो मैं आटा गूंथने जा रही हूँ, मुझे भूख भी लगी हुई है हल्की फुल्की, तो इसलिए आपको तेज भूख लगे, आपने जो पहले खाया है उसको बर्न करना है, तो सबसे बढ़िया रास्ता है कि आपका जो बिग मसल है आपकी बॉडी में उसको एक्टिवेट कर, वो एनर्जी लेगा, वो सीधा फैट से एनर्जी खींचनी शुरू करेगा। ऐसा एक दिन में नहीं होता कि एक दिन करोगे तो आप कहोगे कि अगले दिन देखती हूँ मेरा वेट लूज हो गया, नहीं होगा। लेकिन हाँ, डे बाय डे अगर सात दिन तक आप करते जाते हो, एक्टिव रहते हो कि आपको करना ही करना है, तो फिर सात दिन में ही आपको काफी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, आपका फैट तेजी से कम होगा, भूख भी अच्छी लगेगी, एक्टिव फील करोगे। तो करना क्या है, मान लिया ये आपकी स्लेप है, इस पे आप आटा बनाते हो, सब्जियां काटते हो, तो सबसे पहला स्टेप जब आप सब्जियां काट रहे हो तो उसके लिए बताती हूँ, हर एक स्टेप है मेरे पास जो काम कर रहे होते हैं तो उसके लिए कौन सा करना है, ध्यान से सुन लो। तो ये मैं सब्जियां काट रही हूँ, मेरे पास कुछ सब्जियां होती है, मान लिया मैं सब्जी काटती हूँ इस तरीके से, तो मैं ये करती रहती हूँ, ये वाला स्टेप इस तरीके से, मतलब मूवमेंट मेरी चल रही है, ये मेरा बिग मसल है ये थाई वाला, तो आप धीरे धीरे कर लो, जोर से नहीं कर सकते इस तरीके से, और सब्जियां इजीली काटते रहो, ऐसे करो। देखो एक दिन में आदत नहीं होगी, एक दिन थोड़ा सा हार्ड लगेगा, लेकिन जब दो से तीन दिन करोगे आदत हो जाएगी। और ऐसे भी कर सकते हो, अब मानिए आप चाय बना रहे हो, एक तरफ चाय बन रही है, थोड़ा सा वेट करना पड़ता है, तो ऐसे कर लो, करते रहो, तेजी से करो। अब ये मेरा सोलियस मसल है, ये तो एक्टिवेट होंगे ही होंगे, इससे क्या होगा, ये अगर एक्टिव है यहाँ पे फैट नहीं आएगा और जल्दी बूढ़े होने से बच जाओगे। यानी का मीनिंग क्या है, जब हम चलते फिरते हैं तो हमारी सांस फूलती है और यहाँ पेन होता है, पूरी लेग्स में पेन होता है, तो वो इसलिए है क्योंकि ये मसल वीक है, इसको स्ट्रॉन्ग बनाओ। ये मसल एक्टिवेट होता है, एनर्जी तो खींचेगा, आपके फैट को कम करेगा क्योंकि वहां से एनर्जी उठाएगा, साथ में स्ट्रॉन्ग भी बनेंगे, पूरी जिंदगी के लिए एक्टिव रहोगे। तो ये स्टेप जैसे मैंने बताया,
ये करो, अगर खड़े हैं तो सब्जियां काट रहे हैं तो ये करते रहो, मतलब मूवमेंट रखो अपनी बॉडी की, ब्लड का सर्कुलेशन हाई होगा, अगर लेग्स में पेन रहता है, घुटनों में दर्द रहता है, वो भी ठीक होना शुरू हो जाएगा, ये इनकी मोबिलिटी बढ़ती रहती है। तो इस तरीके से ये करते रहो, और ये ऐसे नहीं कि सिर्फ एक बार करना है, शाम को किचन में जा रहे हो खाना बनाने से पहले कर सकते हो, खाना बनाते बनाते सब्जियां काट रहे हो तब कर सकते हो, चाय बना रहे हो तब कर सकते हो, ये करना है। अब नेक्स्ट स्टेप देखो, थोड़ा भी 30 सेकंड का टाइम है आपके पास, तो ये कर लो, स्लेप पकड़ो और एक लेग को ऐसे उठा लो, एक एड़ी को ऊपर उठाओ नीचे, ऊपर उठाओ नीचे, ये आपका सोलियस मसल है, इसको एक्टिवेट कर दो, ये सारा ग्लूकोज खींच लेगा। जितना भी आपने रोटी खाई है ना, अगर भूल से एक्स्ट्रा रोटी आपने खा ली, भूल से आपने चावल खा लिए, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होगा जो कि फैट में कन्वर्ट होता है, उसको बर्न करना है, तो इसको एक्टिवेट करते रहो, दिन में 3 बार करो। कैसे करना है देखो, ऐसे एक लेग को ऊपर उठा के ये करो, 30 सेकंड के लिए कर लो, या 30 रेपिटेशन कर लो, गिन के कर लो, फिर दूसरी लेग को इस तरीके से। पैर भी ठीक रहेंगे, जिन लोगों के पैर में दर्द होती है, झंझनाहट होती है, उसमें भी काफी रिलीफ आपको मिलेगा। ऐसे इस तरीके से करो। अब नेक्स्ट, ये मेरी ड्रॉर है, जो नीचे की ड्रॉर रहती है, या मेरा फ्रिज रखा हुआ है। अब फ्रिज में हम क्या करते हैं, जो नीचे का पार्ट होता है उसमें सब्जियां स्टोर करके रखते हैं, कच्ची सब्जियां, वो मुझे निकालनी है। सोचे तो मैं क्या करती हूँ, मैं ऐसे झुकती नहीं हूँ, लेडीज यही गलती करती है कि झुक के निकालती है, आह कमर में दर्द है, तो गलत तरीके से मत झुको, मैं बताती हूँ सही तरीका क्या, जिससे एक्सरसाइज भी हो जाएगी। मैं इस तरीके से बैठती हूँ, फ्रिज को पकड़ लेती हूँ, ऐसे बैठती हूँ नी को बैंड करके, और ऐसे उसका ये वाला जो हमारा वो बकेट होती है फ्रिज के अंदर, उसको निकालती हूँ, और जो सब्जियां मुझे निकालनी होती है उसको स्लेब पे ऐसे रखती जाती हूँ, जस्ट 10 सेकंड के लिए या 20 सेकंड के लिए, मतलब हल्का सा ये एक्टिवेट हो जाना चाहिए। 10 सेकंड, 5 सेकंड, जितनी देर सब्जियां निकालने में आप लेते हो, उतनी देर ऐसे ही सिचुएशन में आपको सब्जियां निकालनी है, ऐसे निकालो। अच्छा, ये मेरे नीचे की ड्रॉर है, मुझे चाय पत्ती निकालनी है, चीनी निकालनी है, कुछ भी निकालना है, तो मैं ऐसे ही करती हूँ, ड्रॉर को पकड़ा और इस तरीके से खींच लिया अपनी तरफ, ऐसे निकाला, उसको स्लेब के ऊपर रख दिया, जो चीजें बंद करके रखनी है उसको, ये हो गया। बर्तन आपको सिंक से वापस इसमें रखने हैं तो बर्तन आप रख सकते हैं, जितनी देर आपकी कैपेसिटी है उतनी देर बार बार करो उसको, बैठो उठो, मान लिया 5 सेकंड के लिए, ठीक है हो गया, फिर दूसरा काम शुरू कर दो। अब ये मेरे पास सब्जियां है और कुछ नहीं, तो हमारा बिग मसल और कौन सा होता है, हमारे ऊपर वाले पार्ट में, ये सारा ये बिग मसल है, ये भी कभी कभी पेन करता है, कुछ लोगों के तो शोल्डर ही स्टिफ हो जाता है, वो ऐसे भी नहीं कर पाते, तो अगर इसको ठीक रखना है तो ये सब्जियां पकड़ो ऐसे कर लो, जस्ट कुछ सेकंड के लिए, ये लो इस तरीके से, ऐसे ये डेली क्या करो, सभी लेडीज के लिए, कमर में दर्द, कंधे में दर्द, नेक में पेन, उससे छुटकारा आपको मिल जाएगा। 30 रेपिटेशन कर लो, एक बार खड़े खड़े, किसी को पता भी नहीं चलेगा और आपका वर्कआउट हो जाएगा। ऐसे अब नेक्स्ट, हमारे घर में बहुत सारे ऐसे बर्तन होते हैं जिनके अंदर सामान पड़ा होता है, जैसे ये मेरे पास डब्बा है, इसमें बेसन भरा हुआ है, भारी है, ऊपर तक भरा हुआ है, 5 किलो के करीब होगा। तो मैं क्या करती हूँ, जब बहुत ज्यादा ऐसा मन लगता है ना कि आज एक्सरसाइज नहीं कर पाई, काम बहुत ज्यादा है, आटा गूंथने जा रही हूँ, तो उससे पहले इसको पकड़ती हूँ और ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, जब इसको ऊपर ले जा रहे हैं, आपका टमी टाइट हो रहा है तो सांस छोड़ना है ऐसे, कम से कम 20 रेपिटेशन। आप फिर इसको ऐसे रख दीजिए, थोड़ा सा इधर उधर ऐसे कंधों को घुमाइए और एक बार ऐसे कर लीजिए, इसको पकड़िए, थोड़ा सा लेग्स खोलिए ऐसे, और आप अपने अकॉर्डिंग चूज करेंगे बर्तन, छोटा भी ले सकते हैं, 1-2 किलो का भी ले सकते हैं, ऐसे जरूर नहीं कि शुरू में 5 किलो ही वेट आपको उठाना है, 1-2 किलो। वैसे इसके अंदर अभी बेसन है नहीं, आपको लग रहा होगा क्योंकि मैंने ये वॉश करके रखा हुआ, डालने वाली हूँ, लेकिन मैं करती हूँ ऐसे। आपको देखो मेरी फिगर अच्छी लग रही है, आपको ये लगता है कि मैम तो वर्कआउट करती है इसलिए पतली है, बहुत कम खाती है इसलिए, नहीं, कम नहीं खाती है, आपका वहम है। मैं वही सब करती हूँ जो आप सब कर रहे हैं, मैं घर का काम भी कर रही हूँ, खाना भी अच्छे से खा रही हूँ, लेकिन फिर भी वेट कम है, तो मैं ये चीजें करती हूँ, एक्टिव रखती हूँ। सीढ़ियों पर चढ़ के जाना है तो जाती हूँ, 4 बार चढ़ना है तो मैं 5 बार चढ़ती हूँ, मतलब उसको कम नहीं करती, ये करना है। अब ये हो गया,
अब एक काम करो, आटा आपने बना लिया, अभी रोटी बनाने वाले हो, मतलब बीच बीच में रेस्ट भी लेते रहो, जो आपका काम है उसको भी करते रहो बीच में। अभी रोटी बनने जा रही है, भूख भी आपको काफी लग गई है, आप इसी में ही फायदा उठा लीजिए। क्या करना है, जो आपकी भूख है तो उसको और ज्यादा कर दो, यानी आपकी जो बॉडी है एनर्जी मांग रही है, भाई मुझे ग्लूकोज दे दो, तो ग्लूकोज नहीं देना, क्योंकि रोटी बनाना सिंपल काम है, आप खड़े होके जस्ट ऐसे ही करने वाले हो, उसमें और कोई मसल आपके यूज नहीं होंगे। तो जो आपका भूख है वो कहाँ से एनर्जी लेगी, आपके फैट से, लेकिन कैसे लेगी, रोटी बनाने में नहीं लेगी। तो रोटी बनाने से पहले 30 रेपिटेशन का ये सेट कर लो, और किचन का जो काउंटर है उसको पकड़ लो ताकि आप गिरे नहीं, ये ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आपकी सांस फूलेगी, तो लंबी लंबी सांसें लो, लंबी लंबी सांसें छोड़ो, एकदम एक्टिव फील करोगे, जो हार्ट की बीट है थोड़ी सी हाई लगेगी, अच्छी बात है, उसी से आपका फैट बर्न होने वाला, क्योंकि बॉडी को चाहिए एनर्जी, जो कि ग्लूकोज आपने बर्न कर दिया है, क्योंकि आपको भूख लगी हुई थी, अभी आप रोटी बनाने जा रहे थे, उसके बाद ही सभी रोटी खाएंगे ना, तो आपने क्या किया, आपके मसल है उनको एक्टिवेट कर दिया। अब मसल को चाहिए एनर्जी, और ये कहाँ से लेंगे, ग्लूकोज आपकी बॉडी में अभी इतना है नहीं, डायरेक्ट वो फैट से खींचेंगे, तो काम शुरू हो गया। और ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए 2 से 3 सेट आप कर सकते हो, और सिर्फ 1 मिनट के अंदर अंदर हो जाएंगे। आप जैसे बर्तन साफ करते हो, बर्तन साफ करने के लिए भी मेरे पास है, खाना खाने के बाद नहीं करना है, खाना खाने से पहले जितने बर्तन साफ करते हो, तो एक काम करना, बर्तन साफ करते जा रहे हो, खड़े हो इस तरीके से, तो सांसों का, आप सांसों का यूज करना है, सांस अगर आप लेते हो और छोड़ते हो, छोड़ के होल्ड करते हो, उसमें भी थर्मोजेनेसिस को एक्टिवेट कर रहे हो, जो कार्बन डाइऑक्साइड देर के लिए छोड़ी और अपनी बॉडी को ऐसे खींच के रखा, तान के रखा और होल्ड करके रखा, सांस छोड़ के टमी को स्क्वीज करके रखा, तो इसमें भी आपकी ज्यादा कैलोरी यूज होती है जो नॉर्मल सांस लेते हैं उससे। तो कैसे करना है, ये बर्तन साफ कर रहे हैं, मतलब ये मैं बर्तन साफ करके दिखा रही हूँ आपको, तो हम होल्ड करके रख सकते हैं, सांसों पे तो कंट्रोल कर ही सकते हैं जब बर्तन साफ करते हैं, क्योंकि उसमें हमारे हाथ इन्वॉल्व रहते हैं, लेकिन सांसों का तरीका आप धीरे धीरे बदल लें तो आपको ऐसी आदत हो जाएगी। अब इससे क्या होगा, एक तो आपकी स्किन पे ग्लो बढ़ना शुरू हो जाएगा, एक आपकी सांसें लंबी हो जाएगी, जिससे क्या होता है आपकी लंबी उम्र होनी शुरू हो जाएगी, दूसरा क्या होता है, बीपी लो हाई जिन लोगों का रहता है उनका नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा, बॉडी एक्टिव होनी शुरू हो जाएगी, हार्ट जो है आपका हेल्दी रहेगा हमेशा के लिए, अगर सांसों की लंबाई आपने बढ़ा दी तो। इसके बहुत सारे और भी ज्यादा बेनिफिट है, आपका टमी टाइट करने में भी आपको हेल्प मिलेगी, जैसे लटका हुआ टमी होता है ना, कुछ लोगों का लटका हुआ रहता है, तो अगर टमी को खींचना शुरू कर दे तो वो टाइट होना शुरू हो जाएगा, आपका पोस्चर ठीक होना शुरू हो जाएगा, और आपके टाइम का अच्छा यूज कर पा रहे हो, अपना काम करते करते भी आप अपनी एक्सरसाइज इन्वॉल्व करके डबल फायदा ले सकते हो और टाइम का डबल यूज कर सकते हो। तो उम्मीद है आज आप समझ गए होंगे, और बाकी और बहुत सारे स्टेप, एक स्टेप मैं अभी आपको बता देती हूँ, देखो एक स्टेप ये है, ये आप स्लेब के पास खड़े होंगे और इसको बोलते हैं आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज, मैं ये भी करती हूँ, मैं बहुत सारी करती हूँ, लेकिन कुछ मेन मेन आपको बताई है, इसको आप कर लो, जैसे आपकी चाय बन रही है, मान लिया सब्जी में सीटी लग रही है, आपको वहाँ पे खड़ा होना पड़ेगा, तो ये करो 30 काउंट कर लो और फिर ये करो। मैं कुछ ना कुछ देखो करती ही रहती हूँ, मैं कभी भी ऐसे फ्री खड़ी नहीं होती किचन के अंदर भी, और जिस दिन आपके दिमाग में भी ये चीज़ें आ गई ना कि बस बॉडी की मूवमेंट करते रहो, कुछ भी करना है, जैसे आप ऐसे ये पकड़ लिया स्लेब, ऐसे सामने कुछ काम कर रहे हो, ऐसे मान लिया चाय बन रही है, सब्जी बन रही है, उसको आपको देखना भी है, ऐसे बैठ जाओ जैसे चेयर के ऊपर बैठे हो, 30 सेकंड के लिए बैठे रहो या 30 काउंट कर लो। जब आप ऐसे करना शुरू कर दोगे ना कि मुझे मूव करना है अपनी बॉडी को किसी भी तरीके से करूँ, तो उसी दिन से फैट घटना शुरू, उसी दिन से बिना वर्कआउट के लिए अलग से टाइम निकाले आप फैट भी बर्न कर पाओगे, भूख अच्छी लगेगी, बॉडी एक्टिव रहना शुरू कर देगी, और किसी भी काम जितना मर्जी कर लो कभी थकान फील नहीं करोगे, ये नहीं कह पाओगे कि भाई मैं नहीं करती, मैं थक चुकी हूँ। और कितनी भी उम्र हो जाए, चाहे 60 साल 70 साल 80 साल, हमेशा अपने पैरों पे चलते रहें। उम्मीद है
आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, आप लाइक शेयर भी करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।